सो हेलो गाइस, देख सकते हैं आप, हम आ गए अभी सोलो वर्सेस स्क्वाड में। अभी मैं गेम प्ले खेलूंगा सोलो वर्सेस स्क्वाड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चलिए अभी खेलते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। सो देखते हैं हम चिकन डिनर ले पाते हैं या नहीं। सो बढ़ते हैं अपनी गेम की ओर। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो यार जरूर से लाइक सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। सो अभी हम फुल रस गेम प्ले खेलेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड में। अभी मैं जा रहा हूँ थर्ड हिल की ओर। यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बंदे आएंगे, क्योंकि शुरू में यही रस गेम प्ले की लोकेशन है। मतलब यहाँ पर बहुत से बंदे आते हैं हमेशा, क्योंकि लोकेशन इसी के पास बनी है आपके। सो अभी यहाँ पर हम गन उठाकर सीधा रश करने चलेंगे प्लेयर्स को। अभी देखते हैं, हमें यहाँ पर लूट अच्छी खासी हमारे पास आ जाती है। और अभी चलते हैं हम अपने रश की ओर। सो अभी मुझे यहाँ पर फुट स्टेप आ रहे थे कुछ बंदों के। सो अपने को क्या है यार, जल्दी हम भी मतलब किल लेने, रश करने बंदों पर। सो यहाँ पर मुझसे मुझे एक बंदा यहाँ पर राइट में दिखा था। यहाँ पर ये लेफ्ट से भाग के जा रहा था यहाँ पर। अभी मैं इसको रश कर दूंगा पीछे से, इसको पता भी नहीं चलता कि मैं यहाँ पर हूँ। अभी ये तो यहाँ पर से बच के चला गया था, पर यहाँ से अब मैं इसको देखता हूँ तो यार ये मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता। मतलब ये नहीं पता था कि किस कोने से निकल के भाग गया। अभी मैं इसको चारों ओर से ढूंढूंगा तो तब जाके मुझे ये नीचे यहाँ पर मिला। पता नहीं यार ये यहाँ पर नीचे कैसे आ गया अचानक से। अब पीछे से मैंने इसके धप्पा कर दिया। सो अभी मैंने इसका कि यहाँ पर इसको नॉक कर दिया। अब मैं इसका किल ले लूँगा। सो इसी के साथ अभी हमारे एक किल हो गया है। सो अभी ये इसका नाम था रितु, ये रितु। अब इसको तो हमने मार दिया। अब आ गए हैं यहाँ पर थर्ड हिल के एक साइड में। यहाँ से मुझे बहुत से फुट स्टेप आ रहे थे। आई होप यहाँ पर 4 से 5 बंदे थे। अभी मैं इसको नॉक करके इसका भी किल ले लिया। अब यहाँ मुझे लगा था यहाँ पर रिवर के साइड में बंदे हैं, तो यार हम चले जाते हैं रिवर को क्रॉस करके। अभी यहाँ से हम निकल जाते हैं रिवर को क्रॉस करके। अभी आगे से भी मुझे यहाँ पर फुट स्टेप आ रहे थे, वो रिवर के उस साइड थे। तो यार अभी मैं रस करने के लिए आया था यहाँ पर। ये मुझे तीसरा जो ये था बंदा, ये बोट था, दो प्लेयर थे, ये बोट था। अभी यहाँ से भी मुझे यहाँ पर भी 4 से 5 बंदे थे। मुझे 4 से 5 के ही फुट स्टेप यहाँ पर आ रहे थे। अब मैं हर जगह तो देख नहीं सकता था, क्योंकि यार सोलो वर्सेस स्क्वाड है, ये नहीं पता कहाँ होगा। अब इसको पता भी नहीं चला कि मैं ऊपर से नीचे कब आ गया। तो अभी मैं इसको यहाँ पर नोक करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि यार पीछे से भी अभी मुझे फुट स्टेप आ रहे थे। अब ये नहीं पता था मुझे कि यहाँ पर या ये बोट है या फिर प्लेयर है। सो अभी मैं, ये तो बोट था क्योंकि यार एक एक बुलेट मार रहा था ये। अब इसको नोक करते करते मुझे एक रिवर में बंदा भी मिल गया था। अब मैं उसको भी किल कर दूंगा, लेकिन अभी मैं चला था इधर, क्योंकि यार वो तो रिवर क्रॉस कर रहा था। आएगा वो इधर ही, क्योंकि था वो भी बोट ही जिस तरह से वो क्रॉस कर रहा था। अब यहाँ पर जिस बंदे को मैंने नॉक किया था, उसका टीममेट यहाँ पर आ गया था। अब मैं क्या करता, अगर वो उसको रिवाइव दे देता तो यार जरूर से मैं किल हो जाता, पर इसने ऐसा नहीं किया था। ये इसको रिवाइव देने की जगह ये खुद ही हीलिंग करने लगा था यहाँ पर। सो अब आकर मैंने भी इसको किल कर दिया था। अब यार सिचुएशन आ गई थी कि अभी हमें हमारे 6 किल हो गए थे। अब यहाँ से हमारे जो फुट स्टैप थे, मतलब जो प्लेयर्स के निशान थे, वो अभी बंद हो गए थे पूरी तरह की तरह से। यहाँ पर ये खाली हो गया था, मतलब एक तरह से हमारा राज हो गया था यहाँ पर। अभी जो वोट को मैंने वहाँ पर छोड़ा था, अभी मैं उसका किल ले लेता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ से मैं किल लेकर सीधा बढ़ूँगा अपनी रश की ओर। उधर से मुझे बहुत सी आवाज़ आ रही थी, तो अभी मैं चला जाता हूँ। ये जब का बोट ये इसी रिवर में घूम रहा है इधर से उधर नदी में। सो अभी मैं यहाँ से बिल्कुल साउंड ख़त्म हो गई थी यहाँ पर, एक तरह से हमारा राज हो गया था यहाँ पर। सो अभी मुझे इधर की साइड से फुट स्टेप आ रहे थे। तो यार मुझे एग्जैक्ट बंदों की लोकेशन नहीं पता थी, तो इसलिए कभी इधर से आ रहे थे कभी उधर से। तो यार मैं देख रहा था, और आगे थी रेड जोन। रेड जोन में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यार इतना अच्छा गेम प्ले, अब किल हो जाता रेड जोन पे तो यार ये अच्छी बात नहीं है। तो यार अभी मैं देख रहा था, अभी मुझे यहाँ से बंदों के फुट स्टेप तो आ रहे थे, मगर मैं सोचा कि यहाँ पर एक घर में जाकर कैंप करूँगा। और तभी यहाँ पर अचानक से रेड जोन पटकने लगती है। तो यार मैंने सोचा कि पीछे ही पलट जाऊँ, क्योंकि यार अगर आगे जाता तो किल भी हो सकता था मैं रेड जोन से। तो यार अभी
बढ़ते हम आगे, यहाँ पर हमें एक बोट दिखा था, तो मैंने जैसे ही उसको किल किया तो यार पीछे से भी मुझे बहुत से फुट स्टेप आ रहे थे। अब ये नहीं पता था, मतलब साउंड आ रही थी गोलियों की, बुलेट्स की साउंड आ रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे है। अब मुझे इस पे से लेवल 3 का हेलमेट चाहिए था, और मैं इसके लेवल 3 के हेलमेट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देता, क्योंकि यार लेवल 3 का हेलमेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोलो वर्सेस स्कोर में। सो अभी यहाँ से मुझे बुलेट्स की आवाज़ आ रही थी, और रेड जोन भी यहाँ पर बीच में ही थी, और जोन भी काफ़ी दूर थी। तो अभी मुझे यहाँ पर बंदे तो दिख गए थे, अभी मैं सिंगल पे करके इनको मारने ही लगा था, तभी यार उसने उसका किल ले लिया, नोक करा था उसने, उसका ही किल ले लिया। पता नहीं ये बंदा कैसा था, ये यहाँ पर ही पड़ गया यार, इसका तो मैं इजीली किल ले लिया था, हेड शॉट लगा था उसके सीधे, वो 4 से 5 बुलेट्स में वो किल हो गया था। तो अभी मैं जा रहा था अपनी जोन में, और यहाँ पर बीच में ही रेड जोन थी, और मुझे अभी 9 mm की बुलेट्स भी चाहिए थी, क्योंकि अभी बुलेट्स नहीं थी मेरे पास। अभी यहाँ पर एक बोट दिख गया था, मैं इसको भी मार देता हूँ। अभी इस बोट के मरते ही हमारे किल हो जाएंगे पूरे 10। अभी हमारे किल 10 हो चुके हैं। अभी आई होप ये 10 किल तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अभी यार बहुत कुछ है वीडियो में, तो देखते रहिए। अभी यहाँ पर मैं रेड जोन से निकल कर यहाँ पर तो आ गया था, अभी रेड जोन मेरे इतने पास फटती है, मतलब देखने लायक होगा ये। मैं अभी यहाँ पर हीलिंग करने लगा था, अभी यहाँ से एक बोट आ जाता है, ये मुझे नहीं पता था कि ये बंदा है या बोट, मैं सोचा इसके साथ थोड़ी ट्रोलिंग कर लूँ, मगर अभी यहाँ पर मुझे आगे भी बंदे बंदे दिख गए थे, तो यार मुझे इसका किल देना बहुत ज़रूरी था। अभी यहाँ पर मेरे बिल्कुल साइड में जोन पड़ती है, और ये अभी यहाँ पर बिल्कुल साइड में, और ये अभी मुझे लगा एक पल के लिए कि मैं यार मतलब किल हो गया, पर अच्छा है वो गेट पर लगी थी। सो अभी मुझे आगे से भी फुट स्टेप आ रहे थे, और पीछे से जोन आ रही थी, यहाँ पर मुझे बंदा भी दिख चुका था, तो मैंने इस बंदे को यहाँ पर किल ले लिया था, इस बंदे को किल कर दिया था। और ये इस बुलेट से तो मेरी इस मैगजीन से तो किल नहीं हुआ था, पर मैं अभी ये यहाँ पर कवर लेके हीलिंग करने लगा था, तो यहाँ पर मैं इसको किल कर दिया था। अभी ये नोक तो हो चुका था यहाँ पर ये किल, और अभी इधर से भी जोन में से मुझे फुट स्टेप आ रहे थे, क्योंकि यार मुझे तो किल चाहिए थे। अभी फुट स्टेप ये है कि यहाँ से बंदा जो ये प्लेयर था, ये जोन में से भागकर इधर आ रहा था, तो यार मैं इसको यहीं पर ही ख़त्म करके, आगे एक बोट के मुझे फायरिंग की साउंड आ रही थी, तो मैं उसके आगे भी चला जाता हूँ, मतलब किल लेना था, और वो जोन से ना मर जाता, तो इसलिए यार मैं भी जोन में जाकर उसका किल लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको नॉक तो कर दिया था, और इसका किल भी मैंने यहाँ पर ले लिया। अभी मैं जाता हूँ जोन में, यार अब भी जोन बहुत दूर है, अगर मुझे यहाँ पर ये एक भी कार नहीं मिलती तो यार मतलब बहुत मुश्किल हो जाता मेरा जोन में जाना। अभी यहाँ पर मुझे एक ये कार मिल गई थी डांसिया, तो मैं इसमें बैठकर अभी जोन में चला जाता हूँ, और जोन में जाते ही अभी यहाँ पर 3 बंदे अलाइव थे, तो यार उनमें से एक मैं था, मतलब मेरे अलावा 2 एनिमी रिवाइव अलाइव थे मतलब। तो अभी यहाँ पर मुझे उनकी लोकेशन नहीं पता थी, मतलब एग्जैक्ट मुझे फुट स्टेप तो आ रहे थे, मगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा कैंप करने लगा था, पर मुझे नहीं पता। अभी यहाँ पर अचानक से एक नेड की साउंड सुनाई दी, पता नहीं उस एनिमी को मैं कहाँ से दिख गया, पर यहाँ पर मुझे अचानक से नेड की आवाज़ सुनाई दी थी, तो मैं कवर में आकर बैठ गया था। सो अभी उस एनिमी ने दूसरे एनिमी को यहाँ पर किल कर दिया था, मतलब कर दिया, यहाँ पर किल होने के बाद अब एक एनिमी बचा था, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ही बिल्कुल पीछे है। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि यार पता नहीं चलता मतलब क्या होता है यहाँ पर, वो एनिमी मुझे दिख तो चुका था, मगर मैं जैसे ही बुलेट फायर करता हूँ वो उस पर लग जाती है, और वो एकदम से यहाँ पर मोली कर देता है, तो यार मैं पीछे से उसके चला जाता हूँ। अब उसकी मुझे कुछ भी मतलब कुछ भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो यार अभी मैं थोड़ा कवर में बैठ जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यार मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता, और ऐसे ही मैं अंधाधुनी
फायरिंग करूँगा तो यार मतलब किल होने के चांसेस है मेरे। तो अभी मैं थोड़े कवर में बैठ गया, अभी मुझे ये राइट में यहाँ पर बंदा दिख जाता है, वो मतलब पूरे मज़े ले रहा था वो भी राइट में बिना कवर के। वो वहाँ पर मुझे बंदा दिख गया, ये पता नहीं ये इतनी जल्दी वहाँ पर कैसे पहुँच गया, मतलब ना इसने कवर ले रखा ना कुछ, यहाँ पर ये अब ऐसे ही भागा आ रहा था। तो यार इसको तो किल होना ही था। सो यार ये थे आज के टॉप 15 किल्स। यार पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना।